जय श्री कृष्णा। आज हम सूजी से एक ऐसा झटपट बनने वाला नाश्ता बनाने वाले हैं जो कि घर में सबको पसंद भी आएगा। बनाना भी बिल्कुल इजी है। ये मैंने 1 कप सूजी लिया है, वेट में लगभग ये 100 ग्राम है। इसमें डालने के लिए मैंने ये एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के ले लिया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार प्याज ज़्यादा खाना चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला है, बारीक बारीक काट लिया है। एक थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च काटी है। हरी मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मीठी वाली मिर्च है, तब भी मैंने इतनी ही डाली है। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के ले लिए हैं, बारीक बारीक कर लिया है। इनको भी हम इसी में डाल देंगे। अगर आपके पास कोई और सब्जी है, जैसे घिया है या पेठा है, तो ऐसे कोई और सब्जी जो आपको अच्छी लगती हो, बंद गोभी अगर आप यूज़ करते हो, बंद गोभी है वो भी डाल सकते हैं। आज तो मेरे पास ये टमाटर और प्याज और ये आलू ही है। एक ये मैंने मीडियम साइज़ का आलू ले लिया है, इसको मैंने उबाल के घिया कस करके ले लिया है। अब हम इन सब चीज़ों को मिला लेंगे आराम से। और इसमें अब हम अपने ये मसाले भी डाल देंगे। ये मैंने 1 छोटी चम्मच नमक लिया है। नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, और ये घोल बनने के बाद हम टेस्ट करके भी देख सकते हैं। ये मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च ली है, आधा ही चम्मच मैंने धनिया लिया। ये धनिया मैंने गरम करके थोड़ा सा रोस्ट करके फिर पीसा हुआ है, तो इसकी खुशबू बड़ी अच्छी फैलती है। चौथाई चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है, और थोड़ा सा ये हमारा पिसा हुआ जीरा है भुना हुआ, और ये चौथाई चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है। थोड़े से हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे, जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। 15-20 पत्ते थे, ये मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। आजकल हरा धनिया तो कम ही मिलता है, ये मैंने सुखा के रखा हुआ है, लेकिन इससे धनिया का टेस्ट तो आ ही जाएगा हमारे इसमें बैटर में। तो अब हम इसको पानी डाल के मिलाएंगे सब चीज़ों को। अगर हम इन चीज़ों को पहले ऐसे थोड़ा सा मिला लेंगे तो इसमें हमारे लम्स नहीं पड़ेंगे, क्योंकि सब सब्जी वब्जी हैं तो ये इनके साथ अच्छे से मिल जाएगा। और फिर हम इसमें पानी डाल के मिला लेंगे। ये मैंने आधा कप पानी डालना है अभी। अभी तो इसमें हमें और पानी डालना होगा। थोड़ा थोड़ा करके ही हम पानी को मिलाएंगे। थोड़ा पानी हम और डाल देंगे, धीरे धीरे इसको भी मिला लेंगे। अब इसमें हमारी लम्प्स नहीं पड़ेंगे। अब हमें इसको उतना गाढ़ा करना है जिसकी कि हमारे आराम से हम इसको यूज़ कर सकें। तो ये हमारा बैटर ठीक हो गया है। अभी हम इसको 15 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे, ताकि जो ये सूजी है वो फूल जाए। 15 मिनट के बाद हम देखेंगे कि अगर हमें पानी और डालना है या नहीं डालना है। अभी हमने टोटल 1 कप पानी लिया था, उसमें से थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। 20 मिनट हो गई हैं। आइए आटे को देख लेते हैं। ये हमारा आटा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। हमें ऐसी ही इसकी रखनी है कंसिस्टेंसी, ऐसा गाढ़ा ही चाहिए हमें। मसाले हमने सब अच्छी तरह से मिला दिए थे। अब हम क्या करेंगे कि इनको, ये इडली स्टैंड है हमारे पास, हमने इस इडली स्टैंड को घी लगा के, पहले इसके जो सांचा है इसमें हमने घी लगा लिया है। ऐसे हमने इनको चिकना कर लिया पहले से ही। अब हम ऐसे ये इनमें अपना भर देंगे। बहुत ज़्यादा ऊपर तक हमें ये नहीं भरनी है, क्योंकि ये थोड़ी फूलेंगी तो बाहर ना निकले जो हमारी। अब हम क्या करेंगे, इनको एक कढ़ाई में हमने पानी गर्म होना रख रखा है, उसके अंदर हम कवर करके इनको रख देंगे। ये इस कढ़ाई में हमारा पानी उबल गया है, और इसके अंदर अब हम ये सांचे रख देंगे। हमने 2 सांचे बनाए हैं, ये हमने अपने दोनों सांचे इसमें फिट कर दिए। और अब हम इसको इस ढक्कन से ढक देंगे। ये ढक्कन इसके ऊपर बिल्कुल कवर हो जाएगा, भाप इसमें से रिलीज ही नहीं होगी। अब हम इसको
मीडियम गैस पे, बहुत ज़्यादा फुल गैस नहीं करेंगे, बस मीडियम सी गैस पे रखेंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद देखते हैं हमारी ये इडली सी जो बनाई हमने इडली, ये पक गई है क्या। 10 मिनट हो गई हैं, अब हम अपने इनको चेक करेंगे। सूजी की जो हमने इडली बनाई है, एक ये चक्कू इसमें डालेंगे, चक्कू के साथ हमारे बिल्कुल भी ये चिपकी नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी ये हमारी इडली बन गई है। गैस को अब हम एक बार बंद कर देंगे और इनको अब हम बाहर निकालेंगे। इनको हम चाकू की मदद से ऐसे चारों तरफ से इसको हिला देंगे एक बार, और इसको हम पलट के इसमें रख देंगे ऐसे। सारी इडली को हम इसी तरह से हिला लेंगे, ऐसे पलट के रख देंगे। ये बड़े आराम से उतर रही हैं, नीचे से चिपकी भी नहीं है। वैसे तो ये हमारी इडली सिक गई हैं, लेकिन हम इनको एक बार ऐसे पलट के 4-5 मिनट के लिए दोबारा से उसमें पैन में रखेंगे। ये हमने सारी इडलियों को पलट लिया है, दोनों ट्रे को अपनी इडली के दोबारा से कढ़ाई में रख दिया है, और इनको 4 या 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको स्लो गैस पे और भाप लगने देंगे। ये हमने 2 टमाटर, थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च ले लिया, इनको काट के हम प्यूरी बना लेंगे। गैस पे मैंने ये पैन रख लिया है, और इसमें हम 2 छोटी चम्मच घी की डाल लेंगे। आप जो भी घी यूज़ करते हो आप वो घी डाल सकते हैं, मैंने ये देसी घी डाला है। घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अपनी ये राई डाल देंगे। 5 मिनट हो गई है, घी गर्म हो गया है, राई डाल देंगे। राई तड़क गई है, ये 4-5 पत्ते करी पत्ते के डाल देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा हिला देंगे, और जो हमने वो प्यूरी बना रखी थी वो हम इसमें अब प्यूरी डाल देंगे। इस प्यूर में हम थोड़े से टेस्ट के हिसाब से मसाले डालेंगे। ये इडली हमारी बन गई है, इनको हम बाहर निकाल के एक बाउल में निकाल लेंगे। चाहे तो आप ये इडली माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, मैंने साथ साथ ये इडली माइक्रोवेव में भी बना ली है। इनको भी हम, ये भी हमारी बड़ी अच्छी बन गई है, ये देखिए बड़े आराम से हिल रही हैं और ये बड़े आराम से निकल रही हैं और बड़ी अच्छी सीख गई हैं। इनको मैंने पहले 5 मिनट का टाइम दिया, और फिर उसके बाद 3 मिनट का टाइम और दिया। उसमें ये हमारी 2 इडली स्टैंड की ये बन के हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी बन गई है ये भी। अब हम इन सबको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये प्यूरी हमारी टमाटर भुन गए हैं, इसमें हम ये मिक्सी का पॉट धो के थोड़ा सा पानी डाल देंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे। ये चाट मसाला भी हमने खुद बनाया हुआ है, और मैं इसकी वीडियो इसी के साथ रेसिपी में इसी के साथ नीचे शेयर कर दूंगी। 1 टेबलस्पून हम इसमें टमाटो सॉस डालेंगे, और हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे। चीनी इसके टेस्ट को इन्हांस कर देगी, बस 1/2 छोटा चम्मच चीनी का डालेंगे, और ये सब मिला देंगे अच्छी तरह से। और इसमें अब हम हमारी ये इडली सब इसके अंदर डाल के अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें 1/2 नींबू, थोड़ा सा रस हम नींबू का भी डाल सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नींबू का रस हम डालेंगे, 1/2 नींबू का, इससे इसका टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। और अब हम इनको सबको अच्छे से इनके साथ मिला लेंगे। ये हमारी लिपटी लिपटी सी इडली बनके तैयार हो गई है। 2 मिनट तक इसको स्लो गैस पे पकने देंगे। 2 मिनट हो गई हैं और ये हमारी इडली बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो गई है। सारा मसालों का इसके अंदर जो हमने डाला है बाद में, नींबू और
चाट मसाला उसका सारा इनके अंदर चला गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इनको उतार के सर्व करेंगे। ये हमारी इडली बनके तैयार हो गई हैं, खाने के लिए गरम गरम परोसने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको हरी चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। और वैसे तो इनमें सब चीज़ें डली हुई हैं, इनको हम ऐसे ही उठा के खा सकते हैं। ये हमारी सूजी की टेस्टी टेस्टी इडली बनके तैयार हो गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।